So students, here we are going to start chapter 11, that is three-dimensional geometry from class 12 syllabus. In 11th, you all have studied three-dimensional geometry. वहाँ पर हमने कार्टिजन मैथड्स किए थे, डिस्टेंस निकाला था टू पॉइंट्स के बीच में, एंड वी ऑल्सो डिड इक्वेशंस. तो वहाँ पर हमने काफ़ी सारे मैथड्स सीखे थे. अब उसी का एक्सटेंशन 3D यहाँ पर है 12th में, दैट इज़ चैप्टर 11. तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे डायरेक्शन को साइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज से. आप जानते हैं डायरेक्शन कोसाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाई LMN एंड डायरेक्शन रेशियोज बाई ABC. ठीक है, दे आर एसोसिएट विद द इक्वेशन. जो इक्वेशन होती है उससे हमारे DRs निकलते हैं और DCs हम निकालते हैं LMN से. ठीक है, और अगर आपको फॉर्मूला लर्न हो तो L को हम क्या कहते हैं, cos alpha, यानी इंक्लिनेशन की मदद से भी L निकलता है. अगर आपको एंगल दिया हुआ है बिटवीन वेक्टर एंड x एक्सिस तो वहाँ से हमारा cos alpha यानी L निकलता है. For m we do cos beta and for n we do cos gamma. Alpha, beta, gamma angles होते हैं. जैसे हमारा vector जा रहा है OP, so alpha is the angle between vector and x-axis. If it is x, this one is y and this one is z. So similarly vector और y-axis के बीच में होता है beta, vector and z-axis के बीच में होता है gamma. अगर हम इनके कोसाइन लेंगे तो हमारा LMN प्रोड्यूस हो जाता है. LMN निकालने का दूसरा तरीका ये भी होता है, अगर आपको DRs मालूम है. फॉर एग्जांपल हम इक्वेशन से शुरू करते हैं. आपके पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 1. आपसे बोला जाए इसके आप DCs निकालिए, तो यानी LMN निकालिए. L कैसे निकलेगा बेटे, a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. सिमिलरली एम भी निकाल सकते हैं, हम एन भी निकाल सकते हैं. एम के लिए ऊपर ये आएगा, एन के लिए ऊपर ये, नीचे रूट में सबके सेम जाता है. ठीक है, अब प्रॉपर्टीज थी हमारे पास एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ऑलवेज. ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी हुई है. नाउ लुक एट द कंसेप्ट गिवन इन योर बुक, इसमें क्या क्या इस्तेमाल हुआ है. देखिए बेटे, यही चीज़ आपको बताई गई है. जैसे हम LMN निकालते हैं ना, तो L की वैल्यू क्या होती है, a अपॉन रूट. हम यहाँ पर हमने पर्टिकुलर एग्जांपल लिया है. हम जनरल इक्वेशन की अगर बात करें तो जनरल इक्वेशन में होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू नॉर्मल वैल्यू कांस्टेंट डी. हमने डी ले लिया है, कोई भी इक्वेशन ले ली है. आपसे डी सीज बोले रहे इसे निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे, एल एम एन लेंगे. अब बेटे डी सीज जो होते हैं वो प्लस माइनस दोनों साइन में हमेशा आंसर देते हैं. आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. तो क्या होगा, पहले ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. फॉर एम वी हैव बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. सिमिलरली फॉर एन प्लस माइनस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ये एलिमेंट निकालने के तरीके हैं. फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है, यू हैव टू गिव आंसर्स. सो सबसे पहले आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन. ये ऑलरेडी डिस्कस्ड टॉपिक है. डायरेक्शन कोसाइंस आपस में कैसे कनेक्ट रहते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ठीक है, सो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स. अब मेन टॉपिक ये है, अगर दो पॉइंट्स से कोई लाइन पास हो रही है उसके DCs आपको बताने हो, तो हम इन जनरल ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं कि एक लाइन है AB विद कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 x2 y2 z2. ठीक है, हमने ले लिए टू पॉइंट्स ऑफ अ लाइन. अब आपको इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालना है. तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आपको पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी लाइन की, यानी वेक्टर जनरेट करना पड़ेगा. उसी वेक्टर के तो आप DCs बता सकते हैं. अब बताओ बेटे इसके कैसे निकालें. पोजीशन वेक्टर AB आपको बनाना आता है, कैसे बनता है देखो. x2 माइनस x1, पहले x के कोफिशिएंट्स x में से माइनस होता है दोनों कंपोनेंट को. x2 माइनस x1 जनरेट होता है i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप. यानी हमने विद द हेल्प ऑफ AB वेक्टर जनरेट कर दिया है. पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A. अब देखिए ये तो हमारे क्या हो गए, DRs हो गए ना, ये कॉम्पोनेंट्स DR होते हैं. अब हमें क्या पूछ रहे थे, DCs पूछ रहे थे डायरेक्शन कोसाइंस. तो क्या हो जाएगा बेटे, DCs आर फॉर्मूला होता है ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ए पूरी ये वाली वैल्यू हो गई है, दिस इज बी एंड दिस इज सी.
ये हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वेयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वेयर प्लस जेड टू माइनस जेड वन होल स्क्वायर. दिस इज फर्स्ट डी सी, यानी पूरा क्या है हमारा एल. वॉट अबाउट एम? वाई टू माइनस वाई वन अपॉन रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वेयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वेयर प्लस जेड टू माइनस जेड वन होल स्क्वायर. सिमिलरली लास्ट वैल्यू ये एम है हमारी, लास्ट इज एन. एन के लिए क्या हो जाएगा जेड टू माइनस जेड वन अपॉन दिस सेम वैल्यू जो ऊपर लिखी है हमने. तो याद रहेगा जब भी दो पॉइंट से आपको डी सीज निकालने हो, जैसे यहाँ तो इक्वेशन वन पॉइंट की ही हमने बनाया हुआ है, टू पॉइंट्स के लिए आप पहले एक्स टू माइनस एक्स वन करेंगे, रूट सेम वैल्यू आपको स्क्वायर में लेनी है. ये डी सी है पूरा एक, ये सब मिलके तीनों, ये एल डी सी है, ये एम है और ये एन है. डी आर ये होते हैं बेटे कंपोनेंट्स. दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. नाउ कम टू एग्जाम्पल वन, देन यू विल बी मोर क्लियर कि पूछा क्या जाता है आपको एग्जाम में. देखिए इसमें एग्जाम्पल वन में लिखा है, इफ़ अ लाइन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सेस रेस्पेक्टिवली फाइंड डी सीज. यानी इस बार आपको एंगल दे दिए हैं, एंगल का भी आपको फॉर्मूला बताया. देखिए यहाँ यहाँ रखना है एंगल की वैल्यू, एल एम एन आ जाएंगे. तो चलिए निकालते हैं इसे. सो हेयर एग्जाम्पल वन, सबसे पहले अल्फा बीटा गामा लिखते हैं हम लोग. अल्फा इज द एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दैट इज 90 डिग्री. सेकेंड एंगल इज 60 डिग्री. थर्ड एंगल इज 30 डिग्री. वी नीड टू फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस. सो डी सीज आर एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन इक्वल टू एल वी नो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा. सो कॉस 90 कॉस 60 कॉस 30 डिग्री कॉस 90 कॉस 60 वन बाई टू कॉस 30 रूट 3 बाई टू आ गए आपके डी सीज. हैंस डी सीज आर गिवन बाई 0.5 कॉमा रूट 3 बाई टू एंड दिस इज अवर आंसर 0.5 एंड रूट 3 बाई टू. समझ में आ गया होगा. नाउ कम टू एग्जाम्पल सेकेंड, इफ़ अ लाइन हैज़ डायरेक्शन रेशियोज. देखिए आपको डी आरस दे दिए गए हैं, डी सीज निकालना है. सो वी कैन राइट हेयर डी आर आर गिवन बाई ए बी एंड सी. फर्स्ट वैल्यू इज टू, ए इज टू, बी इज माइनस वन एंड सी इज माइनस टू. वी नीड टू फाइंड डी सीज. सो डी सीज आर फॉर्मूला इज गिवन बाई ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर देन बी अपॉन देन सी अपॉन. क्लियर? सो a means 2, 2 upon root a square plus b square plus c square, 4 plus 1 plus 4, comma, second DC is minus 1 upon root a square plus b square plus c square, 4 plus 1 plus 4, and last one is minus 2 upon same value, 4 plus 1 plus 4. Now on solving, 2 upon 8 and 1, 9, it will be 3, minus 1 by 3 and minus 2 by 3 answers. So DCs we got. Now example 3, find the direction cosines of the line passing through the two points. इसमें two points given है आपको, तो two points का case भी आपको explain किया है. We have x2 minus x1, we can do directly without generating vector. आप direct भी कर सकते हैं क्योंकि formula हम याद कर सकते हैं, आसान है. तो हम क्या करेंगे direct करने के लिए? Here, सबसे पहले आप इन्हें बेटे declare करना, give some name. जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट को ए कह सकते हैं, हम सेकेंड पॉइंट को बी कह सकते हैं. ए हैज़ कोऑर्डिनेट माइनस टू फोर माइनस फाइव एंड वन टू थ्री. नाउ वी नो फर्स्ट वैल्यू इज एक्स वन वाई वन जेड वन एक्स टू वाई टू एंड जेड टू. वी नीड टू फाइंड डायरेक्शन कोसाइन. नाउ वी विल राइट डी सीज आर गिवन बाई, फर्स्ट इज x2 minus x1, so 1 plus 2 upon root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. So 1 minus minus plus 2, so I can write 3 square directly plus 2 minus 4 minus 2 square
प्लस थ्री माइनस माइनस प्लस फाइव, एट स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर. सेकेंड इज वाई टू माइनस वाई वन, टू माइनस फोर अपॉन रूट सेम थिंग थ्री स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर एंड एट स्क्वायर. लास्ट डायरेक्शन को साइन थ्री माइनस माइनस प्लस एट अपॉन रूट थ्री स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर प्लस एट स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज नाउ वी विल सॉल्व इट. टू एंड वन थ्री, थ्री अपॉन नाइन प्लस फोर प्लस सिक्सटी फोर माइनस टू अपॉन नाइन प्लस फोर प्लस सिक्सटी फोर एट अपॉन नाइन प्लस फोर प्लस सिक्सटी फोर. इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू ओपन दिस रूट. तो पहले ऐड कर लेते हैं 64 और 4 68 एंड 9 77. सो वी हैव दिस इम्प्लाइज 3 अपॉन रूट 77 कॉमा माइनस 2 अपॉन रूट 77 एंड 8 अपॉन रूट 77 माइनस 2 अपॉन रूट 77 एंड 8 अपॉन रूट 77 आर रिक्वायर्ड डीसीज ऑफ गिवन लाइन. आई होप यू अंडरस्टैंड. कुछ भी नहीं करना है, डी सीज निकालने का मकसद है या तो अल्फा बीटा गामा आपको गिवन होगा या फिर आपको टू पॉइंट्स गिवन होंगे. दोनों की इक्वेशन आपको लर्न है अच्छे से, ईजिली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. नाउ कम टू एग्जाम्पल फोर. इट इज गिवन दैट फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. चलिए अभी क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसमें आपको विद द हेल्प ऑफ योर कॉन्सेप्ट आंसर करना है. आपको किसके डी सीज बनाना है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के. तो चलिए हम पहले कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं. दिस इज एक्स एक्सिस वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है. इट इज एग्जांपल फोर. चलो बेटे पहले किसके डी सीज बताएं, एक्स एक्सिस के. डी सीज ऑफ एक्स एक्सिस आर. अब डी सीज का मीनिंग क्या होता है बेटे, डी सीज का मतलब कि अगर हम अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में बात करें तो वेक्टर जिसके भी हम डीसी निकाल रहे हैं वो एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है वहाँ से एल आता है, वाई के साथ बनाएगा तो एम आएगा, जेड के साथ तो एन आएगा, ठीक है. अब हम एक्स एक्सिस का खुद निकाल रहे हैं, एक्स के साथ पहला एंगल तो जीरो होता है तो फर्स्ट डीसी हो जाएगा कॉस अल्फा यानी कॉस जीरो डिग्री. नाउ एक्स के साथ वाई 90, इट विल बी कॉस 90 डिग्री एंड अगेन एक्स इज मेकिंग 90 डिग्री विद जेड सो कॉस 94, इट इज एल एम एंड एन. सो दैट इज कॉस 0 1 कॉस 90 0 0. सो दीज आर डी सीज ऑफ एक्स एक्सिस. सिमिलरली वी डोंट नीड टू शो एवरीथिंग. अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं इसलिए हमने सिमिलरली लिखा है. डी सीज ऑफ वाई एक्सिस आर, वाई एक्सिस एक्स के साथ 90 बना रहा है तो 0 हो जाएगा, वाई विद वाई 0 डिग्री यानी 1 एंड 0. डी सीज ऑफ जेड एक्सिस आर 0 0 1, दैट इज अवर आंसर. यानी अगर वो जेड जेड के साथ बना रहा है तो 0 डिग्री और कॉस 0 होता है 1, बाकी में कॉस 90 आपको 0 ही देगा. सो डी सीज एक्स एक्सिस के होते हैं 1 0 0, वाई के होते हैं 0 1 0 एंड फॉर जेड इट इज 0 0 1. सो दिस एग्जाम्पल वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नाउ कम टू एग्जाम्पल 5. शो दैट ए बी एंड सी आर कोलीनियर. कोलीनियर प्रूव करने के लिए बेटे आपको डायरेक्शन रेशियोज निकालने होते हैं. कैसे आप निकालेंगे, अगर आपके पास तीन पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी, आपको इसे कोलीनियर शो करना है कि तीनों सेम लाइन पर आ रहे हैं, तो आप क्या निकालेंगे, डी आरस ऑफ ए बी निकालेंगे देन डी आरस ऑफ बी सी. डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, जब आप ए बी वेक्टर जनरेट करेंगे देन एक्स टू माइनस एक्स वन आई के आप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे के आप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के आप, वहाँ से वेक्टर आएगा. आप जानते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन ए हो जाएगा, वाई टू माइनस वाई वन विल बी बी एंड जेड टू माइनस जेड वन विल बी सी. ए बी के निकलेंगे, बी सी के निकलेंगे, अगर वो दोनों प्रोपोर्शनल हैं यानी इसका कुछ मल्टीपल यहाँ बन रहा है तभी तो वो सेम लाइन में आगे प्रोड्यूस हो पा रहे हैं, तभी वो प्रोपोर्शनल होंगे अगर रेशो में लिए जाएंगे तो. तो यानी जब ये प्रोपोर्शनल रेशोज आएंगे तो लाइन्स कोलीनियर होंगी यानी पॉइंट्स कोलीनियर होंगे बेसिकली, अदरवाइज नहीं होंगे. तो हम एग्जांपल देख लेते हैं 5 में क्या लिखा है. इसमें गिवन है शो कीजिए कि पॉइंट्स ए बी एंड सी तीनों के, देखिए कार्टेशियन प्लेन में एक्स वाई जेड तीनों को इस्तेमाल किया गया है, आर कोलीनियर.
सबसे पहले किसके डीसीज निकालने हैं आपको या डीआर निकालने हैं? हेयर वी हैव टू फाइंड डीआर, डीआर ऑफ ए भी निकालते हैं पहले। चलिए तो ए और बी की हेल्प से ए बी का डीआर कैसे निकलेगा बेटे? एक्स टू माइनस एक्स वन यानी वन माइनस टू क्या हो जाएगा? माइनस वन। सेकेंड इज माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव एंड थ्री प्लस फोर इट विल बी सेवन। ए बी के डीआर आ गए देखिए। अब बी सी के डीआरस निकालने हैं, सो थ्री माइनस वन टू, एट प्लस टू टेन, माइनस इलेवन माइनस थ्री माइनस फोर्टीन। सो वी गॉट डी आरस लाइक डी आरस ऑफ ए बी इज इक्वल टू एंड डी आरस ऑफ बी सी इज इक्वल टू। पहले हम ए बी के लिख लेते हैं, माइनस वन माइनस फाइव सेवन है एंड नेक्स्ट वन इज टू टेन, लास्ट वन इज माइनस 14। हमें प्रोपोर्शनल दिखाना है बेटे। प्रोपोर्शनल के लिए हम रेशो को कंसिडर करते हैं, रेशो सेम होना चाहिए। सो रेशो के लिए हम इन दोनों को साथ में रखेंगे, माइनस फाइव अपॉन टेन एंड लास्ट वैल्यू सेवन अपॉन माइनस फोर्टीन। वन बाई टू, वन बाई टू विद माइनस साइन ऑल आर इक्वल। नाउ वी विल राइट लैंग्वेज, सिंस डी आरस ऑफ ए बी आर प्रोपोर्शनल टू डी आरस ऑफ बी सी हैंस ए बी सी आर कोलिनियर। आई होप यू अंडरस्टूड कि ऐसे हमें फर्स्ट एक्सरसाइज के एग्जाम्पल समझ के करने हैं। नाउ इट कम्स टू यू टू डू एक्सरसाइज 11.1। सेम कॉन्सेप्ट यू हैव टू यूज़ हेयर। देयर आर फाइव क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, एंगल्स गिवन है, आपको डीसीज निकालना है। इसमें भी आपको सेम प्रोसीजर से आंसर निकालना है, बस यहाँ इक्वल एंगल बोल दिया है, यानी तीनों में एंगल आपको इक्वल लेना है। आप अल्फा अल्फा ले सकते हैं सब में, इन प्लेस ऑफ अल्फा बीटा गामा, सब में आप सेम एंगल अल्फा इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन, डीसीज आपसे पूछ रहे हैं, तो आप जानते हैं एबीसी की हेल्प से डीसीज कैसे निकालते हैं। थ्री पॉइंट्स को कोलिनियर शो करना है, सेम प्रोसीजर। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल, एबीसी आपको तीन पॉइंट्स गिवन है, सभी साइड्स के डीसीज निकालने हैं। तो पहले आप एबी निकालिएगा, एबी वेक्टर निकाल दीजिए, फिर बीसी निकाल दीजिए, फिर एसी निकाल दीजिए, फिर आप एबी के डीआर लिख सकते हैं, बीसी के भी लिख सकते हैं और सीए के भी लिख सकते हैं। और जब डीआर आ जाएंगे तो डीसीज आप निकालना जानते हैं, कंपोनेंट अपॉन रूट एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो यू विल ट्राई 11.1 एट होम। एंड नाउ इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट इक्वेशंस ऑफ लाइन इन अ स्पेस। इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं विच यू हैव टू लर्न, रिलेशन बिटवीन लाइन्स एंड वी नीड टू फाइंड डिस्टेंस ऑल्सो। सो 11.2 विल बी डिस्कस लेटर ऑन इन टुमोरोज वीडियो। So now you have to complete exercise 11.1 with example in your fair copy. So complete it. Thank you so much.